alaikum and welcome to Kaam Kahani, the podcast for the career curious. Today with us is Sajjad Parmar. He a compensation and benefits expert. He is also the founder and CEO of Talent Accelerator. And his last job was the head of total rewards for international markets for eBay in Singapore.

तो अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा सिम्प्लीफाई करूँ तो इसेंचली जो बड़े बड़े एरियाज आते हैं इन दिस इन दिस वर्ल्ड टोटल रिवॉर्ड्स में वो हम कॉम्पनसेशन के अंदर हम स्टार्ट करें तो सिंपल चीज़ होती है कि आपकी जो पे वगैरह है उससे हम स्टार्ट करते हैं आपका जितना भी कैश रिलेटेड चीज़ें हैं आपकी सैलरी हो गई आपके अलाउंसेज हो गए दैट्स वन पार्ट ऑफ इट फिर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स की कि शॉर्ट टर्म इंसेंटिव आर ऑल्सो कैश रिलेटेड सो फॉर एक्जाम्पल आपका जो एनुअल बोनस प्लान होता है हम सेल्स इंसेंटिव प्लान की बात करते हैं हम सेल्स कमीशन प्लान की बात करते हैं हम फिक्स टर्म बोनसेस की बात करते हैं वो उसमें कवर करते हैं फिर हम मूव करते हैं लॉन्ग टर्म इंसेंटिवस के लिए लॉन्ग टर्म इंसेंटिवज़ में आपके टिपिकली जो हम बात करते हैं वो करते हैं कंपनी शेयर्स प्रोग्राम्स की कि जो आपकी लार्ज पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं वो सीनियर लेवल के ऊपर टिपिकली अपने एग्जैकटिव को अपनी कंपनी के शेयर्स देती हैं और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में विच इज़ नाउ द नॉर्म कि टिपिकली ऑल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एटलीस्ट टेक्नोलॉजी इंप्लॉयज़ को फ्राम अस्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स देना शुरू कर देती हैं एक्विटी देती हैं एक्विटी देते हैं वो लोग दिस इज इवन फॉर प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज मतलब अगर कोई स्टार्टअप है फॉर एग्जाम्पल hmm. उनके पास पचास सौ डेढ़ सौ एम्प्लॉयज़ हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी प्री आई पी ओ अपनी जो कंपनी की एक्विटी है वो डिज़ाइन करके उसको अपने एम्प्लॉयज़ को देना शुरू कर दी है इंटेंशन ये है कि दे वॉन्ट द एम्प्लॉइज टू फील लाइक शेयर होल्डर्स राइट ताकि वो क्योंकि एक स्टार्टअप माहौल है हर बंदा समझता है कि यार वी ओन द

मल्टी ईयर टॉपिंग इस साल क्या होने वाला है Because आप, आप इस आप से सोचें कि अगर आप किसी सी ओ को हायर करते हैं बड़ी कंपनी के लिए आप ये नहीं सोचते कि यार ये दो तीन साल काम करेगा आपकी टेंशन होती है कि ये जो काम करेगा जो स्ट्रेटेजी बनाएगा तो बनाएगी पांच दस साल के लिए तो यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म तो एल टी आई की पूरी दुनिया हो गई तो इन अ वेरी समराइज वे कैश टर्म इंसेंटिव लॉन्ग टर्म इंसेंटिव रिटेंशन के लिए बोनस uh, के लिए सारा आपका आता है कॉम्पनसेशन uh, की साइड पर हम जब बेनिफिट्स की साइड पे मूव करते हैं तो आपका एनी वेयर फ्रॉम योर इंश्योरेंस प्लान योर कंपनी प्लान योर वर्कस मेडिकल कह लें इंश्योरेंस कह लें हेल्थ इंश्योरेंस कह लें लाइफ इंश्योरेंस कह लें यह सारे बेनिफिट्स में आता है अब अ बिग एरिया जो बहुत तेजी से डेवलप हुआ है एक्सेलरेट uh, हुआ है कोविड की वजह से दस द एरिया ऑफ वेलनेस और वेलनेस में हम बात करते हैं चार कॉड्स की इमोशनल वेलनेस फिजिकल वेलनेस फाइनेंशियल वेलनेस एंड फैमिली स्लैश कम्युनिटी वेलनेस सबसे ज़्यादा जो कॉमन रहा है जिस जिसप आई थिंक कंपनीज ने थोड़ा बहुत काम भी करा है वो रहा है फिज़िकल वेलनेस विच बेसिकली मीन्स कि भाई हमारे कंपनी में काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ है hmm. पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर का मसले ज़्यादा है हार्ट यू नो इशूज़ ज़्यादा है तो फिजिकल हम किस तरह प्रोएक्टिव प्रोग्राम्स बना सकें जिसकी बेसिस पे हमारे जो ये इश्यूज़ आते हैं आए नहीं hmm. अगर आप डेवलप कंट्रीज के बारे में देखो और हम अपने पाकिस्तान को कंपेयर करें तो सारे चैलेंजेस जो डेवलप कंट्रीज़ में हैं वो हमारे पास भी हैं ठीक है ऑफिस पॉलिटिक्स होती है सिस्टम्स हमारे पास है नहीं अलग अलग किस्म के इशूज हैं ऑन टॉप हमारे पास तो सोसाइट और पोलिटिकल चेंजेस चैलेंजेस भी हैं राइट right? तो जो बंदा रोड पर काम कर रहा है जो ऑफिस में काम कर रहा है वो ऑफिस की जो चैलेंजेस है वो तो कर ही रहा है बट वेन वी गेट होम ऑल दी अदर इशूज दट वीर फी हाइपर इन्फ्लेशन कह लें सेफ्टी सिक्योरिटी के मसले हैं पोलिटिकल कुछ अनस्टेबिलिटी है दीज ऑल एड टू स्ट्रेस अ पर्सन इन पाकिस्तान हैज टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स राइट वेलफेयर ऑफ दम सेल्फ वेलफेयर ऑफ द फैमिली उ डू द जॉब्स ये सारा जो एरिया है इमोशनल हम में हमारे यहाँ पे इमोशनल वेलनेस की ऑलमोस्ट जीरो अवेयरनेस है भी मैंने देखा है दो तीन कंपनी के साथ मैं भी इंगेज uh, करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इमोशनल uh, वेलनेस के एरिया को बढ़ाना है अब लगता नहीं इमोशनल वेलनेस इज टू कॉम्प्लेक्स मैटर

बड़ा स्टिग्मा है टू आस फॉर हेल्प देखिए होता ही है कि कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने में या कल्चरल चेंज लाने में वो ओवरनाइट होती नहीं है आपको कम से कम एक डेढ़ साल लग जाता है मैंने एग्जांपल्स दी दो तीन फोरम से मैंने बात करी कि अगर एक कंपनी फॉर एग्जांपल महीने में एक बार किसी काउंसलर को बुलाती है और वो पब्लिक टॉक करती है कंपनी के ऊपर हर वंस वंस अ मंथ फॉर मे बी जस्ट वन आवर एंड जैसे इस साल इस महीने हम बात करेंगे रेजिलियस के ऊपर अगले महीने हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर थर्ड महीने हम बात करेंगे स्ट्रेस के ऊपर होगा ये कि इस तरह के जो वर्ड्स है ना ये हम कर रहे हैं सो कॉमन कर रहे हैं हमने जब पहली बार मे बी मैनी फाउंड आउट कि यार कहीं पे मर्डर हो गया है तो वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू इट अब अनफॉर्चुनेटली हम इतने नम हो चुके हैं पंद्रह बीस साल वो सुन सुन के कि हमें लगता है यार वो चार वहाँ पे मर गए छह वहाँ पे मर गए वी डोंट हैव अ रिएक्शन सेम थिंग अनफोर्चुनेटली इज अ गुड एक्जाम्पल बट द सेम थिंग हैज़ टू हैपन इन इमोशनल है आपको नॉर्मलाइज करना है आपको स्ट्रेस डिप्रेशन ये सब कोई बुरे वर्ड्स नहीं है दीज आर कॉमन वर्ड्स एट एवरीबडी गोस थ्रू मैं आपको दो बड़ी रिसर्च के बारे में बताता हूँ एक रिसर्च निकली है uh, एक साल बाद कोविड के 2021 में आई थिंक जुलाई अगस्त में निकली थी इट्स बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स एंड दे बेसिकली सर्वेड ऑल द दम्प्लॉज ग्लोबली एंड दे फाउंड आउट दैट द मेंटल वेलनेस हैज डिक्लाइंड बाय 50 परसेंट अक्रॉस द वर्ल्ड फिफ्टी परसेंट दैट अदर वर्ड्स कि वन आउट ऑफ टू एम्प्लॉयज वर्किंग एम्प्लॉयज इन द वर्ल्ड आर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इशू यह पहली थी तकरीबन दो महीने पहले दूसरी रिसर्च आई है जिसने बोला है बोलाइट सो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर हैव एक्सपीरियंसड और आर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ मेंटल चैलेंजेस और डिक्लाइन इन मेंटल हेल्थ राइट एंड इट्स इज सरप्राइजिंग अगर आप कोविड के बाद बहुत सारी कंट्रीज में देखें कि किस तरह के इनडायरेक्ट इशूज आए हैं The way people are reacting, the, pe the way people have experienced. I example of Just before I left, so uh, in fact, March March or May of 2022, mein, when things started to open up, we had a town hall rakha tha ka, globally uh, with the CEO and the leadership team. And we opened it for employees. Ke liye open kar dia, ke yaar aap, uh, anybody wants to share about you know, how their COVID went? And I kid you not, there were four or five people who started crying on the call in front of everybody else. दे शेयर के इतना उनके लिए चैलेंजिंग था कोविड से गुजरना बिकॉज हर कंट्री के अपनी रिस्ट्रिक्शंस थी सबके अपने अपने चैलेंजेस थे नॉट एवरीबडी हैज बिग हाउस यू हैव स्पाउजेज हुकिंग एंड टेक केयर ऑफ द किड्सो लर्निंग फ्राम स्कूल आई के नॉट इमेजिन हाउ इजी और डिफिकल्ट मस्ट है हमने हमें अंदाजा ही नहीं है कि लोग किस किस प्रॉब्लम से गुजरे हैं ऑन टॉप आपको अब भी देखा होगा आपने कि महंगाई बड़ी है Uh, बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं राइट वी के नॉट इमेजिन द ट्रबल पीपल हैव गॉन थ्रू ए सो वी के नॉट बी इन दर शूज तो हमने एक्चुअली जो मेंटेल चैलेंज है उसको समझा ही नहीं है कि ये होता क्या है और हमारे यहां पे ये कहता ना बार बार विच रियली पिस मी ऑफ कि आर वी आर अ वेरी रिजिलियंट एम सॉरी डजन जस्ट बिकॉज यू रिजिलियंट डज मीन वी डोंट नीड हेल्प एक्चुअली इज ऑपोजिट वी नीड मोर हेल्प जस्ट बिकॉजेंट है तो हम बर्दाश्त करते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में और तीन चार कंट्रीज में कोविड जैसे स्टार्ट हुआ ना तो हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया ये पब्लिश रिपोर्ट आई है कंट्रीज में कि कोविड जब स्टार्ट हुआ तो चार पांच छह महीने बाद डोमेस्टिक वायलेंस केसेस एक्चुअली इंक्रीज क्वाइटेट अब हमें लगता है कि यार ये क्यों है लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिंग डिप करें कि आपने लोगों को कैसी कर, एक कंडीशन में डाला हुआ है विच इज़ वेरी अनेचुरल विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट उनके पास आउटलेट नहीं है अपनी फैमिली से मिलने का फ्रेंड से मिलने का आपस में यू नो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और कितनी ज्यादा इंप्लीकेशन होंगी हमें अंदाजा भी नहीं है तो अगेन सॉरी फॉर द लॉन्ग आंसर बट दस वट एम ट्राई समराइज के इमोशनल वेलनेस पे हमें काम बहुत ज़्यादा करना जरूरी है एंड अगर आप रिसर्च देखें जो मेडिकल रिसर्च पब्लिश हुई है कि इमोशनल वेलनेस पे काम करने से नॉट जस्ट कि आप एम्प्लॉज को अपने आप को हेल्प करते हैं एक्चुअली इट हेल्पनीज वेल आपका बंदा ज्यादा प्रोडक्टिव है आपका बंदाज इंगेज है वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है वो पचास चीजों के बारे में सोच नहीं रहा है बिकॉज नाव यू हैव गिम प्रैक्टिकल टिप्स एंड टूल्स टू मैनेज द मेंटल चैलेंज एंड स्ट्रेस एक्सपर्ट क्या ये भी आपके uh, sort of रिस्पॉन्सिबिलिटी याव्यू के अंदर आता है स्ट्रेस एंड मैनेज इमोशनल वेलनेस फॉर यम्प्लॉज देखेंट बट वट वी डू इज वी डिजाइन प्रोग्राम्स और हम डेटा को देखते हैं हम रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं हम सीधा एग्जाम्पल जब कोविड स्टार्ट हुआ एंड यूज मल्टी नेशनल कंपनीज में दे है प्रोवाइडर ई ए पी होता है एम्प्लॉज एक्सेस प्रोग्राम ये वो वेंडर्स हैं जो दुनिया में कहीं पर भी, भी बैठे होते हैं एंड मल्टी नेशनल कंपनी इनके साथ डील करती हैं कि हमारा एम्प्लॉई कहीं भी दुनिया में है अगर उसको कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आपकी हॉटलाइन पर कॉल करेगा एंड डिपेंडिंग अपॉन वट काइंडल्प दे नीड इट कुड भी फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इट कुड कु मेंटल हेल्थ रिलेटेड इट कु अ लीगल चैलेंज इट कुड भी अ मैरिटल प्रॉब्लम इट कुड भी अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको आपसे एक गाइडेंस देनी है बेसिकली मेरे पास इट्स ए रेशू विच अकाउंट शेयर विनी बढ़ी बट मैं उससे स्ट्रगल कर रहा हूँ बट आई वुड लाइक टू गेट ए इट एक्सपर्ट्स हेल्प तो आप ई ए पी हॉटलाइन पे कॉल करते हैं और वहां पर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इशू वो आपको से बात करवा देते हैं ठीक है ना और एक बार मैंने भी यूज कराया पढ़ा है सुना है दिस इज माई जॉब लेट मी ऑल्सो फाइंड आउट आई कॉल एक्चुअली गेस वॉट आई वॉज वेरी सरप्राइज इवन दो हमारे जो बता रहे स्टिंग होता है द गिंग एडवाइस जो मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था ऑन द स्पॉट एंड इट वॉज इशू को जो मैं इतने टाइम से फेस करा था इसके बारे में मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज उन्होंने एज अ थर्ड पार्टी न्यूट्रल होकर मेरी पूरी कहानी सुनी उन्होंने मुझे बताया कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनको इशू लगता है Uh, तो हमने बहुत सारे फोरम्स में बात करी स्पेशली ड्यूरिंग कोविड तो हमने बहुत सारी कंपनीज को मैंने देखा कि दे रियली वेंट आउट टू हेल्प एम्प्लॉयज़ और यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे लीडर्स से ये सुना एच आर लीडर्स से कि उनके लीडरशिप टीम ऑफ द कंपनीज केम आउट दैम सेल्व सी ईज बिग बिजनेस हेड्स एंड सर यार के हम आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस तो उन्होंने अपने चैलेंज को नॉर्मलाइज़ करा है नो बडी ट्राइंग टू बी अ सुपर हीरो दिस सेड आई एम स्ट्रगलिंग एट होम सी ईओ हमारी कंपनी के दो तीन जो हमारे जनरल मैनेजर्स थे उन्होंने पब्लिकली हमारे टीम्स में आके बोला टाउन हॉल्स में कि आई एम स्ट्रगलिंग थ्रू दिस मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि मेरी बीवी भी घर पर बैठी है वो भी काम करती है हमारे तीन बच्चे हैं देयर वर्किंग मतलब स्कूल घर से हो रहा है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज आवर वर्क एंड मैनेज द किड्स एज वेल मेरी कॉलेज थी यूएस में उनकी तीन बेटी है उसने पहले ही बोल दिया कोविड के दौरान में कि आई एम वेरी सॉरी बट मैं अपना वीडियो ऑन नहीं करूंगी इन एनी कॉल बिकॉज मेरी तीन बेटियां हैं तीनों की एज ऐसी है कि उनको कॉन्स्टेंट अटेंशन चाहिए तो मैं कॉल पे भी होंगी मैं आपको बता देती हूँ अवे फॉर टू मिनट्स एवरी फाइव मिनट बिकॉज तीन बेटियां हैं हस्बैंड भी काम करता है मैं भी काम करती हूँ एंड वी हैव टू लुक आफ्टर दैर इनफैक्ट यहां तक एक्जाम्पल्स आए कि मुझे जरा कोई लिस्ट भेज दे और ऑल द थिंग्स आई कैन डू विद माई केड्स सबने पंद्रह बीस पच्चीस लिस्ट भेजी कि आप ये करवाओ ये करवाओ बिकॉज इट्स नॉट ईजी बट आई वुड से कोविड के दौरान में मैंने बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल्स देखी ऑफ कंपनीज गोइंग रियली आउट ऑफ द वे टू हेल्प एम्प्लॉज उन्होंने इंगेज करा जैसे मैं आपको एक भी एग्जाम्पल दे रहा था हमने मैंने सिंपल ये करा कि आई वेंट टू ऑल माई कंट्री हेड्स मैंने बोला हमारे पास जो हमारा ये भी प्रोवाइडर है ये चार सौ ट्रेनिंग करवाता है आप मुझे बताओ कि आपकी कंट्री में आपकी इम्प्लॉयज़ क्योंकि हर कंट्री में अलग सिटुएशन थी आपकी कंट्री में आपकी सिटुएशन को नज़र में रखे आपको किस चीज़ की जरूरत है जापान ने बोला मुझे यार मुझे बताओ कि ये स्ट्रेस किस तरह मैनेज होता है इंडिया वालों ने बोला कि यार हमारे यहाँ पे कोई छुट्टी लेने को तैयार नहीं है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इनको किस तरह फोर्स करूँ कि तुम छुट्टी लो ताकि तुम्हें ब्रेक मिले चाइना वालों ने अलग बोला कोरिया वालों ने अलग बोला एंड इवन इन मार्केट्स लाइक जापान एंड कोरिया जहाँ पे आई वुड से कि ये स्टिग्मा है ना बड़ा एक्सट्रीम होता है हमें लगता है कि ये जापानीज और कोरियन बाय नेचर ये बहुत ज्यादा हेराकल है और स्ट्रक्चर्ड इनका है टू एन एक्सटेंड और ये लोग कभी इस चीज में नहीं आएंगे वी वर सरप्राइज दे हैड द बेस्ट रिस्पॉन्स

लेकिन ऑफ कोर्स आई केयर फ्रो माई एम्प्लॉज इज़ वेल तो मुझे जो जब मैं कोई भी एम्प्लॉज वेलनेस प्रोग्राम जी इंस्टीट्यूट करूँगा तो मुझे मेरी, मेरी क्या इंटेंशन होनी चाहिए आइडियली सॉरी देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो एक हमारी एजम्शन है ना कि यार हमारे एम्प्लॉज़ ठीक है या सब ठीक चल रहा है यार हर बंदा नज़र खुश आ रहा है ये अजम्पन प्लीज़ ना रखें यू डोंट नो हु इज़ गोइंग थ्रू वाट सबसे पहली बात तो ये है दूसरी चीज़ ये कि मान लें अगे लाइए सर आप जाके पब्लिक गूगल पे जाके आप सर्च कर लें आपको 50 रिपोर्ट्स मिल जाएंगी दैट ऑन एन एवरेज 50 परसेंट एम्प्लॉयज आर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज तो जस्ट आप स्टार्टअप हैं आप करते हैं अगर इफ़ यू जेन्यून इंटरेस्टेड आप मान लें कि सबको कुछ ना किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है दैट्स पॉइंट नंबर वन तो जो भी हमारे जम्शन हैं जो भी हमारी बाइसते हैं उसको हटा दें जरा ठीक है दूसरी चीज ये है कि पैसों के हवाले से जो सबसे बड़ा एक मिसकनसेप्शन है वो ये है कि वेलनेस प्रोग्राम एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली दे डोंट अगर मैं आपको बोलूँ जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि आप महीने में एक काउंसलर को बुलाने एक घंटे के लिए आपको कितने लगता है वो कितने चार्ज करेगा दस हज़ार चार्ज करेगा पंद्रह हज़ार चार्ज करेगा एक घंटे के ना तो आपको फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज निकालने हर महीने एक घंटे के लिए पूरे साल में कितना खर्चा हुआ डेढ़ से पौने दो लाख मैक्सिमम लेकिन उन डेढ़ से पौने दो लाख में आपने बारह टॉपिक्स के ऊपर आपने अपने इम्प्लॉयिज़ के लिए सेशन करवाए हैं मैं आपको ये भी एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि मे बी पहले दो सेशन में पाँच दस लोग आए बिकॉज़ लोग कहते हैं यार हम जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमें जरूरत है स्टिग्मा है ना अभी भी? तो आप उसको जब नॉर्मलाइज करेंगे राइट इवेंचुअली यू विल फाइंड के यू विल सी मोर पार्टिसिपेशन मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ हमने एक मार्केट में हमने कहा कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी हमने करा कि यार हम नॉट जस्ट हम काउंसलिंग सेशन करेंगे हम ट्राई करते हैं ट्रायल बेसिस पे महीने में एक बार तीन घंटे हम काउंसलर को बुलाएंगे और हम छह आधे घंटे के स्लॉट्स हम बुक करेंगे कि इफ एनी बडी टू वीट द काउंसलर प्राइवेटली किसी को कहने की जरूरत नहीं उस कमरे में जाके आप बात करके आ जाए। we thought के कोई नहीं आएगा। we found out that it was और वो full day भी full जा रहा था। मतलब हम जो हमारे ना पे, वो इतने गलत हैं एंड वी गेट सो रॉन्ग ऑन दिसर सर्व हाँ सबको जरूरत है हमें लगता है कि जरूरत नहीं है तो इसके ऊपर होता है कि वॉट इजर्न ऑनवेस्टमेंट कभी किसी ने आपसे पूछा है थारा? यार मैं मैं आगे आगे क्या कर, होना चाहिए कहता जितने भी से जो फ्री ब्रेकफास्ट और लंच दे रहे हैं मैं कहता हूँ उसका आर ओ आई कहाँ से आ रहा है जस्ट yes, बिकॉज आप किसी को ब्रेकफास्ट खिला रहे हो इसका प्रोडक्टिविटी पर एंगेजमेंट पर क्या इफेक्ट आ रहा है मुझे जरा बताएं प्लीज यू मस्ट सीन गूगल डन रिसेंटली है आई थिंक ट्वेल्व थाउजेंड एम्प्लॉज का उन्होंने फायर करा है तो उनकी उनकी आर ओ आई ब्रेकफास्ट और उसकी कहाँ पर है जरा मुझे बताएं प्लीज है और वो स्लीपिंगस्ट है, मतलब है। करा ये आपको क्या लगता है कि जो अगर कि वो फ्री ब्रेकफस्ट है वो करवाए तो वहाँ पेटल इशू नहीं है के या इमोशनल हेल्थ के वहाँ पे भी हैंडिंग मनी ऑनप्लॉय एक्सेस प्रोग्राम्स या जो भी है टॉक्स तो क्या उनको

कि किस एरिया में जरूरत ज्यादा पड़ रही है अगर मैं ग्लोबल ई की बात करूं टिपिकली ग्लोबल ई प्री कोविड में यूटिलाइजेशन इज ऑन मोर देन टू टू थ्री परसेंट ग्लोबली मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास सौ बंदे हैं साल में तीन बंदे ज्यादा यूज नहीं करते हैं दिस इज नॉर्मल ठीक है कोविड में दिस वेंट अप थ्रू द रूफ दे वर यूटिलाईजेशन एज हाई एज फोर्टी परसेंट दैट मीन आउट ऑफ हंड्रेड टीन में से अचानक से चालीस लोग हेल्प हेल्प करने help चाहिए थी उनको राइट सो यूटेशन वेंट थ्रू द रूफ एंड आई थिंक कोविड के बाद यूटिलाइजेशन हज़ इंक्रीज एटलीस्ट डबल हो गई है चार पाँच छः परसेंट हो गई होगी बिकॉज इतनी सारी चीज़ें कोविड में सामने आई लोगों को पता चली वो अभी भी गुजर रहे हैं उन चीज़ों से कि आई थिंक एक अप्रिसिएशन भी बढ़ गई है लाइक इमोशनल वेलनेस पे दुनिया में एटलीस्ट इतना ज़्यादा काम हुआ है और अभी मैं जो हम uh, जिन कुछ फोरम्स में अभी पार्ट ऑफ दैम हम बात कर रहे हैं कि वॉट डज द न्यू एम्प्लॉय एक्सपीरियंस लुक लाइक इन कंपनीज अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपीरियंस इज़ अराउंड इमोशनल वेलनेस मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं कॉलीग्स हैं दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे अब इमोशनल वेलनेस के ऊपर फ्यूचर ऑफ वर्क और इमोशनल वेलनेस ऑलमोस्ट सिनमस हो गए हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्क की अब बात करते हैं ना रिमोट वर्किंग है ये है वो है टेक्नोलॉजी है तो उसमें वेलनेस का एक बड़ा जबरदस्त कंपोनेंट आ गया है हाउ डू वी मेक श्योर दैट एम्प्लॉयज आर इमोशनली वेल बिकॉज इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन एंगेजमेंट इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी इज एन इम्पैक्ट ऑन हाउ डिस्ट्रेक्टेड दे आर और नॉट डिस्ट्रैक्टेड दे आर हाउ डू द खुदा ना ना ने करे कल कोई इशू आ जाते हैं ना अल्लाह माफ करें तो आर दे रियली इक्विप्ड टू टेक द न्यू चैलेंज ऑन क्योंकि अगर बंदा ही काम नहीं करेगा और हम सारी कहानी हम एचआर में करते हैं एंगेजमेंट 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 अगर बंदा एंगेजमेंट एंगेजड ही नहीं है तो खत्म होगी ना बात सारी आपकी रिसर्च प्रूव इफ यू नॉट एंग मसला होगा उसमें ठीक है प्रॉफिट भी मसला आएगा तो अगर हम इंप्लाइज को टूल्स और कुछ ट्रिक्स दे दें प्रैक्टिकल टिप्स टू मैनेज देर वेलनेस Then they will be better equipped to do their work and also manage the person's situation as well. emotional yeah. so, so, the fact is that different people need different things. Like so yes. an e organization, you have a lot of employees. You have with a different need, right? Yes. They're coming from a different background. Yes. yes. Hai. Everyone is a different person. De sahi. As a rewards uh, a person, as a rewards specialist, how do you cater to everyone's sahi. needs? Sahi. Um, एंड एंड मीफिट विद वही बात आप बात करी कि माई जॉब इज नॉट टू सोल्व फॉर एवरी परसन बट इज टू क्रिएट अ डिज़ाइन अ प्रोग्राम और a प्लेटफॉर्म मे बी वर्किंग विद वेंडर्स जहाँ पर हमें लगता है कि यार इस वेंडर के थ्रू इस प्रोग्राम के थ्रू हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसके थ्रू हम ऑलमोस्ट हर बंदे को हेल्प कर सकते हैं सो फॉर एक्जाम्पल आपने जब हमने बेनिफिट और डिज़ाइन वेलनेस की बात करी तो हम एक ऐसा वेलनेस प्रोग्राम बनाए डिज़ाइन बनाए जहाँ पर हमारे पास मे बी एक दो तीन लोग हों या वेंडर्स हों जिनके पास वो आ, टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को सर्व कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं पाकिस्तान में लोकली डिज़ाइन मैंने तीन चार कंपनीज ने अप्रोच करा मुझे कि दे हैव एक्चुअली वॉट दे कॉल्ड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म जहाँ पे फिजिकल वेलनेस से लेके इमोशनल वेलनेस से लेके और फाइनेंशियल वेलनेस तक की उसमें मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार मुझे डिप्रेशन के ऊपर कुछ पढ़ना है तो वो एप्लीकेशन के थ्रू ऐप आप है आपकी ये वेबसाइट पे जाके आप एक्चुअली उसको चीज़ें पढ़ सकते हैं आप कहते हो कि मुझे ये नहीं पता कि यार सेविंग्स किस तरह करते हैं मैं बजटिंग किस तरह करूँ तो उन्होंने एक फाइनेंशियल वेलनेस का एक मॉड्यूल बनाया हुआ है जहाँ पर आप बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग डेट मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म सेविंग्स वो क्या होती है और फिर अच्छी बात यह है जैसे मैंने बताया कि ये जो काफ़ी सारी कंपनीज हैं इनके पास होते हैं पूरे काउंसलर्स के इनके पास पैनल होता है कमनीस कह सकती कि है कि यार हमें लगता है कि हमारे एम्प्लॉज़ को आजकल जो हालात चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन है डॉलर का ये मसला हो गया है फ्यूल बढ़ गया है कुछ पता नहीं चल रहा ये दो टॉपिक्स बड़े रेलिवेंट हैं अभी तो आप उस प्लेटफॉर्म के पास जाएँ उसको बोलो कि हमें इन दो टॉपिक्स के ऊपर मुझे जरा काउंसलर ला के दें और बताएं कि आपके पास क्या कंटेंट अवेलेबल है तो इफ़ इफ़ एन इशू बिकम्स अ बिट प्रोमिनेंट जो आपको लगता है कि ज़्यादा लोगों को हेल्प करेगा तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक के ऊपर एक सेशन कर लें ओपन सेशन सेम पे बुला लें ऑफिस में बुला लें राइट लाइक सर आप बुलाए कितना खर्चा आएगा घंटे का दस पंद्रह हज़ार रुपये आएगा ठीक है बट बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगी एंड मैं ये भी कहता हूँ अगेन इज वेर वेट कि आप वन टाइम ना करें इसको आप रिकॉर्ड करें और अपने पोर्टल पर डाल दें आपके पास नया फ्लो ही आएगा उसके पास वो सेशन अवेलेबल होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ज़ाया नहीं होने वाली है हमने ये करा ईवे में लास्ट टू uh, में वी ऑर्गेनाइज वी डिजाइन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फाइनेंशियल वेलनेस इंटरवेंशन हमने डेट मैनेजमेंट बजटिंग शॉर्ट टर्म सेविंग्स और लॉन्ग टर्म के ऊपर पूरा कंटेंट स्क्रैच से बनवाया जिसमें थियोरी भी थी और प्रैक्टिकल टिप्स भी थी विथ केस स्टडीज और हमने इसको आठ मार्केट्स में इन लोकल लैंग्वेज डिलीवर करवाया और हमने उसके बाद ये भी इंप्लॉय से सर्वे करवाया कि आपको फायदा हुआ भी कि नहीं हुआ बिकॉज ये इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं यून ओ फ्यू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर वॉज एट इव वर्थ इट तो सिर्फ एक स्पेंड करना नहीं होता बट जब ने आर की बात करी कि आपने इतने पैसे स्पेंड करे तो उसका आर आई कहाँ पे आता है इज वे यू स्टार्ट लुकिंग एट एस एल एज एंड मेट्रिक वी कम है दैट्स माई जॉब कि हमने डिजाइन तो कराया एक प्रोग्राम कि इस कंपनी हमारे कंपनी को उसकी चीज़ की जरूरत है हमें तीन लाख डॉलर चाहिए फॉर एग्जाम्पल हमने जो डिलीवर कर दिया तो उसकी सक्सेस किस तरह मेजर करेंगे वी वेंट डायरेक्टली टू एम्प्लॉज एंड आज दैम के वट डिड यू फाइंड इट यूजफुल हैव मेनी ऑफ द टिप्स दैट यू लर्न आपने इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करा है और हमने एक सर्वे उस वक्त करा और हमने एक सर्वे छः महीने बाद नहीं करा क्योंकि शुरू शुरू में तो आपने अभी भी, भी सीखा है ना आपने जाके चेक कर लिया उसके बाद सब भूल गए तो हमने छह महीने बाद भी करा और हमारा हमने अपना इंटरनल टारगेट बनाया कि जितने लोगों ने सेशन अटेंड करा था आफ्टर सिक्स मंथ्स एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ दोज हैव दोन एटलीस्ट वन एक्शन ऑन द फाइनेंशियल वेलनेस एंड इफ वी हैव डन दैट देन आर आर प्रोग्राम इज सक्सेसफुल तो ये जो मेरा एटलीस्ट जॉब आती है उसमें ये आती है कि हम जब डिजाइन की बात करते हैं इट्स नॉट जस्ट डिजाइन करके डाल दिया हम जब आर की बात करते हैं मैं गो टू माई बिजनेस लीडर्स आई हैव टू सेल इट टू दैम कोई भी लीडर आपको उठाकर पाँच हज़ार डॉलर भी या दो लाख रुपए ऐसे उठा के नहीं दे देगा दे हैव टू सी किसकी वैल्यू क्या है इसका इंपैक्ट क्या होगा एंड टू दैट एक्सटेंड अ पिक पार्ट ऑफ माई जॉब इज अबाउट सेलिंग हम क्योंकि आई टू अ लॉट ऑफ सीनियर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और मेरा तो काम ही सारा फॉर्चुनिटी और पैसों के ऊपर है कि एनी टाइम यू टेक अ न्यू प्रोग्राम यू हैव टू हैव यू हैव टू टेल दम वाई समथिंग इज गोइ फॉर द कंपनी इसका बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा इसका एम्प्लॉयज को क्या फ़ायदा होगा हम किस तरह इसको एग्लीमेंट करेंगे हम किस तरह इसको, तरह इसको मेजर करेंगे

ये साबुन बाकी साबुनों से कितना डिफरेंट है ये वो काम क्या कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते मैं किस प्राइस पॉइंट में बेचूंगा मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है आई थिंक टू मी इवन फ्रॉम एन एच आर पीपल कि हम जब जाते हैं किसी चीज के लिए दैट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बिजनेस प्लान आप नया लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम डालो या आप हाँ रिवॉर्ड डालो या आप इमोशनल पर डालो यू हैव टू क्रिएट अ बिजनेस प्लान वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ठीक है किसी के पास फ्री के पैसे नहीं है तो अब बिग पार्ट ऑफ आई जॉब इज दैट वन आई वैन वी डील विद फ्रॉम अ प्रोग्राम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू या हम नया बोनस प्लान बनाते हैं या नया अनाउंस लेके आते हैं ये क्यों जरूरी है ये वो कौन सी चीज को फुलफिल कर रहा है जो अभी करंटली मार्केट में नहीं है या इस कंपनी में नहीं है इसका कंपनी को क्या फायदा होगा टेक्निकली तो आप पैसे खर्च कर रहे हो ना कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करवाने में तो इसका रिटर्न किस तरह से हम मेजर करेंगे राइट सो एज मच एज यू कैन इसको जितना हम टेंजेबल बना सकते हैं टू मी आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस कैन बी मेड टेंजेबल बट लाइक ए सीट हमें थोड़ी सी इसमें थॉट लीडरशिप चाहिए हमें पता होना चाहिए कि हम कोई भी जब चीज डिजाइन करते हैं ठीक है उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा कंपनी को क्या फायदा होगा लीडर को क्या फायदा होगा इंप्लॉयज को क्या फायदा होगा इसको कहां तक हम इसको हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं मैंने अभी बीच में दो तीन वर्कशॉप्स करी मैंने काफी जगहों पर बोला कि हाउ डू यू मेजर सक्सेस वी पुट ऑल दीस थिंग्स इन प्लेस इन ए चार एंड अदरवाइज इन बिजनेस एज वेल अब मार्केटिंग स्पेंड करते हो तो आप कहते हो कि यार जो मैं दस डॉलर मार्केटिंग में लगाऊंगा ना तो मुझे टेक्निकली बीस डॉलर चाहिए रेवेन्यू में इंक्रीमेंटल ये उनकी मेजर होगी फॉर एग्जांपल तो हमने का क्या हमने कहा पे मैट्रिक्स लगाए हुए हैं कि अगर मैं तीन, 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 तीन लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ इस प्रोग्राम में उसकी रिटर्न कहाँ पे आएगी इज दर अ वे टू मेजर इट राइट इज यस आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ थिंग्स आर जैसे हमने बोला कि हमने yeah. एजुकेशन हमने करी एजुकेशन हमने सेशंस करी ईबे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तो हमने कहा कि यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उनको करा दी हमने कहाँ नहीं करा दी सारी कि भाई तुम ये चार चीजें कर लो सबसे पहला मेजर फॉर मी माई सेल्फ इज कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर हजार एम्प्लॉयज हैं और सौ लोग आते हैं आई एम ऑलरेडी फेलियर आई डिड नॉट क्रिएट एनफ एक्साइटमेंट और मे बी आई मिस अंडरस्टुड की इसकी चीज की जरूरत है आई वॉन्ट एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट पार्टिसिपेशन अ पचास परसेंट मतलब माई सेशन मुझे लगता है कि इसकी इन जेन्यून नीड है दैट्स अ बिग नंबर फिर मैं कहता हूं कि देन कम्स द क्वालिटी ऑफ द कॉन्वर्जेशन कि पचास परसेंट लोगों में माई इंटरनल स्ट्राइक रेट इज एटी परसेंट

जिसकी बेसिस पे आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हो एंड अगेन माई स्ट्रैक्ट इट वॉजी परसेंट आपको हमने चार सेशंस करवाए पच्चीस चीजों के बारे में बताया कोई ना कोई चीज तो होगी ना जिस पर आप एक्शन ले सकते हो तो उन्हें बोला येस फिर हमने कहा ये तो अभी का है ना अब छह महीने बाद की भी दो तो कानी मुझे पता नहीं चाहिए ना अभी तो सब कहते हैं कि यार हमें चीज समझ में आई बट इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड आफ्टर टू डेज नो बड़ी रिमेम्बर सो वी सेट विल डू अ सर्वे अगेन इन सिक्स एंड वी वॉन्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ टेल अस दैट दे हैव टेकन ये एंड कंटिन्यू टू टेक एक्शन देन वी वुल से कि यार ये अपने पैसे हमने खर्च करे इतना टाइम लगाया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करा इट वॉज वर्थ इट यही चीज आप हर एरिया में एक एक हद तक एस एल एस और बैट्रिक्स लगा सकते हैं मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ कि हम पेरोल की बात करते हैं बहुत रैंडम एग्जाम्पल है बट हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं हम कहते हैं कि हमारा हर महीने का पेरोल एक्रेसी है ना वो नाइन्टी नाइन पॉइंट एट परसेंट होनी चाहिए ये बड़ा बड़ा स्पेसिफिक मेजरेबल चीज़ है कि अगर हजार बंदा है तो नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी एट एम्प्लॉयज मस्ट पेड करेक्टली एवरी मंथ हम सिर्फ दो लोगों के ऊपर जो है ना हम एक मिस्टेक अडाउ कर सकते हैं ये हमने एक स्ट्रिक्ट एस बनाया हुआ है अगेंस्ट अर ओन परफॉर्मेंस अगर आप गूगल पर जाके देख लें कि एस एल एज मेट्रिक्स नेचर आपको बड़ी लॉन्न लंबी लग चौड़ी चीज मिल जाएगी लेस मिल जाएगी बना ले अपने लिए दिस इज दिस इज फॉर यू टू तो बिकम गुड एट दिस एंड यही चीज वी वॉन्ट कि जब हम वेलनेस की बात करते हैं किसी प्रोग्राम डिजाइन की बात करते हैं आर की बात करते हैं तो आप ये एस एल एज मेट्रिक्स बनाएं अपने अपने लिए अपने टारगेट के लिए जब आप किसी नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप ठीक है स्टार्टअप है और कोई टेक स्टार्टअप है और उसको लग रहा है उसको एक साल हो गया है चलते हुए सही एंड देम हाई डी यू फॉर एग्जाम्पल एंड हमारा रिवॉर्ड्स प्लान बना दो सही तो हाउ डू यू गो अबाउट इट किस तरह से शुरू किस तरह का करते हैं देखिए रिवॉर्ड यू नो ऑन इट्स ओन इज यूजलेस एवरी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर एवरी रिवॉर्ड रिड हैज टू बी एंड मस्ट बी लिंक डायरेक्टली विद द बिजनेस आउटकम्स तो फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टार्टअप है ये इसका फोकस कहाँ पर है इसका फोकस इनोवेशन के ऊपर है इसका फोकस मार्केट शेयर एक्सेस के ऊपर है uh, ये लोग अभी रेवेन्यू के करीब करीब नहीं पहुंचे फॉर एग्जाम्पल अ लॉर्ड ऑफ वर्क दैट आई डू एंड आई एक्चुअली एडवोकेट वेरी एक्टिवली और मैंने जो जिन कुछ स्टार्टअप्स के साथ बात करी है uh, जो मुझे लगता है एटलीस्ट आई थिंक दुनिया भर में बहुत बड़ा गैप है देखिए दो चीज़ें होती हैं आपकी जो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ द मोनिटाइजेशन ऑफ द बिजनेस आप पैसे बना किस तरह रहे हैं ठीक है आई एम नॉट गोना कॉमेंट ऑन दैट बिकॉज द लीडर्स एंड द पीपल रनिंग द बिजनेस प्रॉबिंग नो दिस बैटर बट डू यू अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इज द नंबर वन कॉस्ट ऑफ द बिजनेस फॉर एनी सर्विस सेक्टर कंपनी ठीक है अगर आपने अपनी इम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को ही कंट्रोल नहीं करा है मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि योर बिजनेस इज नॉट गोना सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म और हमने पाकिस्तान में भी देखा है हमने ग्लोबली भी देखा है बिग नेम्स दैट गॉट क्लोज डाउन बिकॉज जैसे ही खुदा न खवासा मार्केट में इशू आया तो क्या हुआ कि आपके रेवेन्यू डिप हुआ बिकॉज योर कॉस्ट वो सो हाई यू जस्ट कुड नॉट सस्टेन राइट सो एक बहुत बड़ा हमारे पे इशू ये आता है कि हम अचानक से अपनी कॉस्ट बड़ी हाई कर देते हैं हमें बंदे चाहिए थे हमने अपनी जो प्राइस पॉइंट पे हमें चाहिए थे ना हमने लेके आ गए डिड दैट प्राइस पॉइंट जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ टैलेंट बोथ इन द शॉर्ट टर्म इन द लॉन्ग टर्म राइट ये एग्जाम्पल इसे दे रहा हूँ कि जब हम रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी की बात करते हैं ना तो किसी भी स्टार्टअप के लिए रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी में हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं कि आपको बड़े बड़े प्रोग्राम्स कौन से चाहिए आप सैलरीज कहाँ पे बैच करोगे आप किस किस्म के इंसेंटिव प्रोग्राम्स बनाओगे आप कौन से लेवल्स पे टफ डिसीजन आपको लेना स्टार्ट करने होंगे फॉर एग्जाम्पल कि आई के नॉट अफोर्ड दिस पर्सन नो मैटर हाउ इंपॉर्टेंट दिस रोल इज फॉर मी आई जस्ट कॉट अफोर्ड इट राइट हम करते क्या है शॉर्ट टर्म में बंदा चीता में ले लिया ट्वाइस द मार्केट प्राइसिंग राइट आपने इंटरनल इक्विटी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया आपने अपना पेरोल कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ा दिया अब ये दस से जब पचास होते हैं सौ दो लोग होते हैं

फिफ्टी टॉप टैलेंट गाइज इन द कंपनी बिकॉज इफ यू डू दैन यू शुड बी द नंबर वन परफॉर्मिंग कमनी पाकिस्तान और वर्ल्ड एक्चुअली अगर आपके पास टूली पचास में पचास बंदा टॉप टैलेंट जिसको हम कहते हैं इन द ट्रू सेंस वो है तो आपको दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए परफॉर्म करने के लिए क्योंकि कंपनी तो लोगों से चलती है ना अगर आपके पास वाकई में पचास ऐसा बंदा बैठा है जो छतें फाड़ देगा तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए एग्जैक्टली बट uh -huh. exactly. वो ऐसा होता नहीं है

यू डोट नीड टू हायर एवरी पर्सन एट अ प्रीमियम एंड यू ऑल्सो डोंट नीड टू रिटेन एवरीबडी एट अ प्रीमियम अगर बंदा पांच बंदे छोड़ के जा रहे हैं तो और पांच बंदे को रिटेन करने की जरूरत नहीं है जाने तो उनको कोई बात नहीं अगर उसमें से एक ऐसा बंदा जा रहा है जो आपको पता है कि यार ये बंदा जो है ना ये बड़ा जबरदस्त बंदा है इसका मुझे एक्चुअली लॉस होगा मैं कहता हूँ ये स्पीस टे का स्टैंड बट टू बिल्ड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर टू बिल्ड दिस माइंड सेट आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है फर्स्ट फिर स्टार्ट ऑफ का जो रिवॉर्ड्स का बंदा होगा वो पहले ये देखेगा कि टैलेंट की क्या क्वालिटी है टॉलिटी तो 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 देखिए हमारा देखिए दूसरा हमारा एक है है कि हम को लेके बैठ जाते हैं पहले. Actually, jobs, मुझे का चाहिए. मेरा करेगा क्या जब आपको पता चल कि आठ चीजें हेड ऑफ सेल्स रोल करेगा देन आप बोलते हो अब मुझे मार्केट में जाओ बंदा लेके आओ सो वॉट वी कि इस कंपनी को चलाने के लिए

बट वो काम क्या करेंगे वो तो समझे ना पहले एंड टू दैट एक्सटेंड इज देर अपट्टोमाइज दी ऑक स्ट्रक्चर जिसपे अभी काफी फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ इज अप्टी कॉल ऑफ डिजाइन क्योंकि बाद में आती है आपने जो अपना रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बिल्ड करा हुआ है जो हमारी हरा, 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 हराकी की होती है ना आपकी जो आपका ऑक चार्ट होता है इज दैट ऑप्टोमाइज टू सपोर्ट द बिजनेस कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा है डिसीशन मेकिंग पॉइंट कहां पर है कितने एग्जीक्यूशन वाले हैं कितने मिडिल मैनेजमेंट है कितने टॉप मैनेजमेंट है ये डिजाइन आप चेंज करेंगे सबसे पहले तो ये है कि आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा क्योंकि अगर आपने खराब बनाया है तो वो काम ही नहीं करेगा बी दूसरी चीज ये है कि एवरी जॉब हैज अ डॉलर वैल्यू और पी की वैल्यू आपने अगर दस डिसन मेकर रखे हुए हैं जब जरूरत पांच की है तो आप अननेसेसरी आपने अपने पेरोल कॉस्ट को कॉस्ट करा हुआ है आपको डिसीशन मेकर ज्यादा चाहिए आपको एग्जीक्यूशन वाले बंदे ज्यादा चाहिए ये कौन डिसाइड करता है ये किसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग यू सेट विद the the uh, the ceo management you just we see yeah we sit with the ceo we say you tell me what you are trying to accomplish आपका क्या रोड मैप है एक से तीन साल के लिए आपका जो करंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें डिसीजन कौन लेता है ये जो स्ट्रक्चर है अगर सपोज करें आपके एक लीडर छोड़ के चला जाता है hmm. उसका इंपैक्ट क्या आएगा आपके टॉप क्रिटिकल रोल्स जो मैंने बात करी 50 में से वो 15 लोग कौन से या 15 जॉब्स कौन सी हैं कि अगर ये अगर ये अगर डिलीवर नहीं करेंगी यू कैन नॉट मीट योर पेनल फॉर दिस ईयर वी आस्क ऑल दीज क्वेश्चन डायरेक्टली विदेजमेंट टीम एंड फिर हम कहते हैं नीचे ऑर्गनाइजेशन में कौन कौन से रोल्स है वी से क्रिटिकल टैलेंट मैं बल्कि मैंने नीचे ऐड करी है विच आई डू विद माई बिजनेस मैं कहता हूं मुझे सबसे पहले बताया कि मिशन क्रिटिकल रोल्स कौन है वो कौन से रोल्स है अपट टू फाइव परसेंट जो इस साल इफ दे डों परफॉर्म और इफ पीपल लीव ऑन दिसवे सिग्निफिकेंट बिजनेस प्रॉब्लम क्रिटिकल रोल्स फिर मैं कहता हूँ टॉप टैलेंट बताएं ठीक है टॉप टैलेंट कहता है फिर सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जो आपका बेस्ट टैलेंट है आर ऑन योर मोस्ट क्रिटिकल रोल्स नॉट आपका हेड ऑफ सेल्स लेट्स से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पी एन एल के लिए लेकिन आपने कैसे बंदे को बिठाया हुआ है हु इज इज गुड बट नॉट फैंटास्टिक दैट्स ऑलरेडी यू नीड द बेस्ट पीपल इन योर कंपनी टू बी ऑन द बेस्ट रोल्स बिकॉज दैट द बिगेस्ट इंपैक्ट ये बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया में है कमीज करती हैं फैन ऑफ फैन और हमारे पास मैं जो हमने जो रिसर्च करी है कि मोर दे परसेंट ये मिसमैच होता है आपके क्रिटिकल रोल्स होते होते हैं हैं या तो नॉर्मल बंदे ओके ओके पीपल एंड वो जो इम्पेक्ट क्रिएट कर सकता है वो आपने इम्पैक्ट क्रिएट भी नहीं करवाया है ठीक है एक रोल जहां पे आपको चीता बंदा चाहिए या चीती बंदी चाहिए आपने वहां पे एक नॉर्मल बंदे को रखा हुआ टोटल रिवॉर्ड्स का जो फंक्शन है इस इसकी जो रूट्स है वो हर जगह एट द हार्ट ऑफ एच टू एन एक्सटैंड वेरी मच सो गिव यू सिंपल एग्जांपल मैंने अभी आई थिंक एक डेढ़ महीने पहले uh, वेबिनार भी करा था जिसमें मैंने ये ऑक डिजाइन और जॉब एवेल की बात करी कि जब आप ऑक डिजाइन और जॉब एवेल्यूशन की इंप, इंप्लीकेशन में बड़ी बड़ी बता देता हूँ आपको जब आपने किसी रोल को सही तरह एवेलुएट करा सबसे पहले तो यह करा कि आपने उसको सही ग्रेड पर डाला ठीक है दूसरी चीज ये जब ग्रेड पर डाला तो उसकी मार्केट प्राइसिंग सही हो गई मार्केट उसको ये प्राइस पे दे रही है तीसरी चीज ये हुई कि आपने अपना अंदाजा लगा लिया कि यार ये रोल जो इस इस एक्स ग्रेड पे है इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस रोल पे बंदा चाहिए होगा तो मुझे इंटरनली भी देखना है मेरे पास कितने लोग हैं और अगर मेरे पास इंटरनली बंदा प्रमोट कर मैं नहीं कर सकता या मूव नहीं कर सकता तो नैव टू गो एक्सटर्नली इमीजिएटली आपकी इंटरनल सप्लाई और एक्सटर्नल सप्लाई डायरेक्टली टैलेंट एक्विजिशन के साथ मिल गई ठीक है टैलेंट एक्विजिशन ने बोला कि यार ये मेरे पास रोल आइडेंटिफाई हो गया है अंदर देख लो रेडी ना और रेडी सूर्य बंदा है नहीं है तो आपकी सक्सेशन लाइन भी क्लियर हो गई ठीक है इसके साथ क्योंकि रोल की हमने बात करी है तो क्या स्किल सेट चाहिए क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए वो भी आइडेंटिफाई हो गई कि इस रोल पे करने के लिए मुझे ये चीजें चाहिए कैन आई डेवलप पीपल इंटरनली टू टेक ऑन दिस रोल तो आपकी जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट नीड्स थी वो भी क्लैरिफाई हो गई अब ये एक रोल है अगर आपके पास सौ बंदा बैठा है कंपनी में और मैं कहता हूँ अगर आप अपने तो टॉप पच्चीस तीस रोल्स भी ले लो या टॉप तो पच्चीस तीस बंदे भी ले लो तो आपने इवेंचुअली पूरी एच वैल्यू चेन के ऊपर इंपैक्ट करना शुरू कर दिया So, so as, as for a reward specialist, what is the career progression like? And where do they start and where, where can they end up? I think uh, first of all, that that, uh, you have to be very comfortable with the numbers. Uh, because, And I would say the starting point for any total reward professional has to be, at least in my view, you start from compensation. Or do think that I have to extensively a and I that, that reward is one function that you can't आई कम फ्राम अन रिवॉर्ड बैकग्राउंड एंड द ओनली वे टू रन रिवॉर्ड इसके आप एक्सल की फाइल खोलें और उसमें आप, आपको कम अज़ कम दो तीन साल गंदा काम करना पड़ेगा मैंने ऐसे गंदा काम इन मीन्स कि आपको एक ज़बरदस्त किस्म की एक्सल फाइल दूंगा मैं आपको जो कॉम्प्लीकेटेड होगी यू हैव टू बेसिकली स्पेंड डेज एंड वीक्स गोइंग थ्रू नंबर्स अंडरस्टैंडिंग के नंबर्स किस तरह मैच हो रहे हैं uh, उसमें अलग अलग किस्म की कि आपको अनालस करनी पड़ेगी आपको बेच मार्किंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको ये बताना पड़ेगा कि कॉस्ट मैनेजमेंट किस तरह होती है यू बेसिकली हैव टू ऑलमोस्ट फील नंबर्स ये नंबर जो ये सेल में बैठा है ये उस नंबर से या उस कॉलम से क्या बात कर रहा है द मोर यू गट कंफर्टेबल और ये ओवरडाइड नहीं हो सकता मैं बता देता हूँ देर इज नो वे नो मेड अ हाउ स्मार्ट यू आर दट यू कैन बिकम कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ दिस बिकॉज देखिए मैं आपको बेच मार्किंग की बात बताई बेच मार्किंग एक तरीके से नहीं होती है हम कभी हम आई बी डू दिसन ईयर्स इवन वन आई स्टिल डू इट आई हेव टू डू इट आई वेल स्टिल लुक एट अ बेच मार्किंग फॉम फाइव सिक्स सेवन डिफरेंट परस्पेक्टिव इसमें टाइम चाहिए इसमें एक्सपीरियंस चाहिए द गुड थिंग इज दैट नो वंस यू गेट कंफर्टेबल विद दैट देन ऑल अदर थिंग्स आर टॉकिंग अबाउट ऑर्ग डिजाइन हो गया जॉब एवेलुएशन हो गई शॉर्ट टर्म इंसेंटिव हो गई ये फिर बोल्ट ऑल होते हैं हम कहते हैं ना कि जो झाड़गर जो रूट्स होती है hmm. वो एक बार आपने बना ली ना जबरदस्त किस्म की यू कंफर्टेबल विद नंबर्स यू नो हाउ नंबर्स वर्क और ये जो हमारा रिवॉर्ड की जो फॉर्मुलज होते हैं फॉर एग्जाम्पल कैश के लिए फिर ये होगा इंसेंटिव होगा तो ये बोल्ट होगा ये बेसिक आपने बना ली ना तो फिर जाड़ को सस्टेन करना उसको उगाना उस पर फंडामेंटल बिकॉज उसकी like, से मैंने कहा सबसे बताया पद एमेंट कॉस्ट इज योर नंबर वन और नंबर टू कॉस्ट इन द बिजनेस तो अगर आपने यही इसको अगर सही तरह नहीं समझा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एंड आई वुड द सेकंड यू कि आप टेक्निकल तो आप डेवलप बिल करो But I also feel, just like I told you, that reward, to be a successful reward business partner, you have to be very comfortable talking to stakeholders and also take them to task. I've been very lucky because in the last 10 to 12 years, uh, my reward work very front-end in the sense that I've directly had access to business leaders. And one implication that I, I see and notice a lot notice. a lot of generalists, including a lot of head of HRs, are not very comfortable with numbers. Sorry to say that. राइट right? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जब आपका हेड ऑफ एच आर इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद विदर्स एंड इफ यू आर हैविंग अ डिस्कशन विद देम अबाउट अ बिजनेस प्रॉब्लम कि हम इसको इस तरह से देखते हैं ये कॉस्ट एप्लीकेशन है इफ दे नॉट ट्रांसलेट दैट बैक टू सी ई राइट दैट्स अ बिग इशू एंड आई लकी बिकॉज मेरे हेड ऑफ ने बिजनेस पार्टनर से बोला भाई हमें आई एम नॉट क्लियर यू गो टॉक टू द लीडर डायरेक्टली तो मैंने डायरेक्टली जाके सी ओ से बात करी उसको समझाया ये है उसने मुझसे सवाल करे हमने एक डिस्कशन बनाया They needed more data. I did the analysis. I came back. If this is not happening, you are not doing your job correctly. You get, your technical skill set. Is not Right? Not everybody can do it. What I can also tell you that. So if HR, journalists, who are who sometimes directly talk with the CEOs, if they cannot understand what you are trying to say and they cannot replicate directly, then it's your job to talk to the leadership directly. Cost management. When analysis, हम पाँच छः सात डिफरेंट तरीके से एनालिसिस करते हैं तो टू दैट एक्सटेंड यू ऑल्सो नीड टू टेक योर टेक्निकल एनालिसिस इन अ इंग्लिश लैंग्वेज और इन अ लैंग्वेज जो सी को समझ में आए हम जब लीडर के पास जाते हैं तो हम उसको सारी कहानी थोड़ी करते हैं पचास स्लाइड्स की मैंने ये सारा काम करा हुआ है आप उसको पचास स्लाइड्स काम तीन स्लाइड्स में समझाते हैं टॉप लाइन ये ये चीजें हैं सो वन ऑफ द स्किल्स दैट यू हैव टू टू बिल्ड आई एम ट्राइंग फोकस ऑन इन दट लर्निंग इंटरवेंशन इज के आपने टेक्निकल स्किल्स तो कर ली Can you also now have a very strategic discussion with your CEO in the language that he understands? And how do you pick up that skill? You have to practice again. आपको आपको I, you have to front. So जो मेरे बहुत सारे managers ने करा कि मुझे हर meeting में डाला। देखो हम किस तरह करते हैं, किस तरह बात करते हैं। You have to present, you have to keep presenting, you have to keep getting feedback. So that's what I do with my team as well. मैं अपने team members को over the past many years जो भी discussion हो, मैं कहता तुम आओ, तुम देखो बैठो meeting में होता क्या है। हाउ डू बी डिस्कस वॉट डू बी डिस्कस व्हाट डज द लीडर थिंक मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैंने अभी पिछले आठ नौ साल से ये कर रहा हूँ हर साल के आखिर में आई हैव अ वन टू वन सेशन विद विद एवरी कंट्री सी एम लुकिंग आफ्टर और मैं उसके पास वॉट वी कॉल्ड मार्केट रिव्यू डेक लेके जाता हूँ जिसमें हम बिफोर एवन गेट टू रिवॉर्ड मैं उससे उसकी मार्केट की जो मार्केट इंटेलिजेंस है वो उससे मैं शेयर करता हूँ मैं कहता कहना तुम्हारी मार्केट में हमने जो सीखा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंडस्ट्री में ये मसले चल रहे हैं ठीक है एंड दैट्स दैट एक्सेस आई हैव बिकॉज आई एस पार्ट ऑफ माई जॉब आई ट्राई टू कनेक्ट टू माई काउंटर पार्ट्स इन एवरी मार्केट्स कि ऑस्ट्रेलिया में क्या मसला चल रहा है इंडिया में क्या मसला चल रहा है जापान में क्या मसला चल रहा है एवरी मार्केट इज डिफरेंट द इंडस्ट्री इज डिफरेंट इन एवरी मार्केट एक्सटर्नल टैलेंट चैलेंजेस आर डिफरेंट इन एवरी मार्केट पाकिस्तान इज द सेम राइट आई हैव टू अंडरस्टैंड व्ट्स हेपनिंग दाई टेक मार्केट फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान फॉर मी टू गो टू माई सी ओ एन अ डिस्कशन फिर मैं उसके बोलता हूं कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्ट्रक्चर ये है और मेरे हिसाब से जो तुमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है यहां पे एक दो इशूज हैं ठीक है यू के हम प्रमोट नहीं कर पा रहे इस लेवल के ऊपर बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए हैं तुम्हारी जो एट्रिशन है वो एक्स है वर्सेज द इंडस्ट्री एंड वर्सेज लास्ट ईयर हम टेन्योर बेस एट्रिशन चल रहा है ग्रेड बेस का एट्रिशन चल रहा है और यहां पे क्या इशूज आ रहे हैं ठीक है थीके? फिर मैं कहता हूं हम किस कंपनीज के साथ कंपीट करते हैं और हम सैलरी डेटा की बात करते हैं तो आई आईन फिर कपलो मार्केट जहाँ पे हमारे जो मेन कंपेरेटर्स हैं वो सैलरी सब पार्ट नहीं एक हिस्सा लेते हैं तो हमारे पास जो सैलरी डेटा आता है वो नॉ इट नॉट कम्प्लीटली रेलिवेंट आई हैव टू बी वेरी क्लियर अप फ्रंट विद देन आई टॉक अबाउट के रिवॉर्ड में हमारे क्या एनालिसिस है एंड एवरी टाइम आई हैव दिस दे आर वेरी अप्रिशिएट ऑफ दिस कहते हैं यार ये हमें परस्पेक्टिव नहीं मिलता है एंड देन इट बिकम्स एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी बिकॉज नाउ आई आई आज देम कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है टैलेंट को लेके वट आर यू कंसर्न अबाउट इज इट मनी इज इट रिटेंशन इज इट वॉट अदर कंपनीज आर डूइंग इज इट स्किल सेट और वॉट राइट And this discussion hodala, it's worth it's priceless. So that, this was amazing. This was such a rewarding <laughs> <laughs> pun intended uh, experience for, for me as well. And I'm sure the the audience will love it. You know, they'll uh, especially people who work in, in in HR and who want to sort of uh, develop and grow in, in rewards. So thank you so much for being here. So, until next time, we'll, we'll talk about performance management and entrepreneurship. Thank you so much thank for being here. And thank you for watching this episode of Kaam Kahani. Till next time, uh, we'll see you with another Kaam Kahani.